एज बेस्टन में चली सर रविंद्र जडेजा की तलवार, तीसरी सेंचुरी जड़ बना डाला रिकॉर्ड। तो क्या खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रेवड़ी में लास्ट तक। देन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बर्मिंघम के एज बेस्टन मैदान पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाया है। टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत ने अपने धमाल से विरोधियों को घुटने पर ला दिया। अब दूसरे दिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा किया। पहले दिन के खेल के बाद रविंद्र जडेजा 83 पर नाबाद थे। दूसरे दिन उन्होंने पहले सेशन में अपनी सेंचुरी जड़ दी। रविंद्र जडेजा के टेस्ट करियर का 3रा शतक था। यह पहली सेंचुरी जो उन्होंने विदेशी जमीन पर जड़ी है। एज बेस्टन टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने 194 बॉल पर 104 रन बनाए, इसमें 13 चौके शामिल है। मुश्किल वक्त में जब रविंद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी की थी और टीम इंडिया को संकट से निकाला था। रविंद्र जडेजा ने बेहतर टेस्ट बल्लेबाज पिछले 1-2 साल में काफी इम्प्रूव किया है। वह लगातार बड़ी पारी खेल रहे हैं, साथ ही जरूरत के हिसाब से छोटी लेकिन तेज पारियां भी खेलते दिख रहे हैं। एज बेस्टन में शतक जमा कर वे एक खास लिस्ट में शामिल हुए हैं। अभी तक 4 भारतीय खिलाड़ी इस मैदान पर शतक जड़ चुके हैं। एज बेस्टन टेस्ट की बात करें तो यहाँ इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी और भारत ने बैटिंग करते हुए 416 का स्कोर बनाया। टीम इंडिया ने एक वक्त पर 100 रनों के अंदर अपने 5 विकेट गवा दिए थे, लेकिन ऋषभ पंत 140 और रविंद्र जडेजा 104 रनों के बदौलत टीम इंडिया जबरदस्त वापसी हुई और ये बड़ा स्कोर बना। सो दोस्तों, आपके अनुसार ये टेस्ट मैच कौन सी टीम जीती है हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और क्रिकेट किसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।